हेलो ना, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो वी आर हेडिंग फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। हमने चेकआउट कर लिया है, अराउंड 11 बज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे फेरी पकड़ने। सो देर आर टू ऑप्शंस हियर इन अंडमान। यू कैन आइदर गो बाय द एक गवर्नमेंट का फेरी होता है ना भैया, एक गवर्नमेंट का फेरी होता है, एक प्राइवेट फेरी होता है। ऑब्वियस है, हमारे टूर प्लानर ने प्राइवेट ही करवा दी। ये प्राइवेट जेटी है ना, जो जिस प्राइवेट से जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो सस्ती होती है थोड़ी, है ना? कितना? 300-400? अच्छा 900 एंड दिस इज 1300। सो ठीक है, 400-500 का डिफरेंस है। जो भी, इट्स बेटर गो बाय प्राइवेट। अब मेरा भी एक्सपीरियंस पता नहीं है, आई जस्ट बोर्ड इन एंड आपको बताऊंगा पूरा चेक ऑन। मतलब जो आपको बोर्डिंग करना है, पूरा सिक्योरिटी चेक जो होता है, दैट इज एज गुड एज लाइक एयरपोर्ट। हमें सबने कहा है कि एयरपोर्ट की तरह होगा। एंड वन शॉर्ट नोटिस, इफ यू आर कैरिंग सम, दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, इफ यू आर कैरिंग एनी लिकर, if you have purchased some liquor from Port Blair, तो आपकी कंडीशन ये है हैवलॉक ले जाने की कि वो सील्ड होनी चाहिए और वहाँ पे बिल्स, उसका बिल्स होने चाहिए आपके पास। अदरवाइज दे वॉन्ट अलाउ यू टू बोर्ड विद द बॉटल। वो बॉटल क्या डैमेज कर देते हैं या जब्त कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। ओके, सो दिस जस्ट फॉर द जर्नल स्टफ, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं जेटी पे, देखते हैं क्या है। हमारे कैब ड्राइवर का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इज अ वेरी नाइस गाय। आप भले उनसे कैब यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। हाँ, हमारे टूर प्लानर ने, हमने कार्स इंक्लूड नहीं करवाई थी बिकॉज हमें घूमना था एक्टिवा पे, या कार में तो बहुत घूमते हैं, फिंगर्स क्रॉस। एक्टिवा पे घूमना था, स्कूटी पे घूमना था, उसके हमने स्कूटी करवाई। सो नाउ वी हैव हायर्ड अ कार एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स। 15-20 मिनट्स का ड्राइव है एवरेज। वहाँ पे पहुंच के माहौल क्या है, कोविड का क्या सिचुएशन है, मैं आपको बताता हूँ। नो डाउट वी हैव द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आरटीपीसीआर सब है हमारे पास, बट वहाँ पे पहुंच के बताते हैं। जस्ट एंजॉय द व्यू। So we are done with the security check and stuff, and why the reason I'm vlogging right now ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे स्टिकर्स लगे हुए हैं कि यू नो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सिक्योरिटी चेक वॉज नॉट एज स्ट्रिक्ट एज यू नो एयरपोर्ट वाला सीन, बट ठीक है, स्ट्रिक्ट थे। आई मीन दे डिड आस्क मी टू ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम माई हैंड बैग टू माई मेन लगेज, बट ठीक है, इट वॉज फाइन। सो जैसे ही बोर्डिंग यहाँ पीछे से चालू हो गई, हमारे बोर्डिंग में भी टाइम है, तब या डन विद द बोर्डिंग आई विल गेट बोर्डिंग। सो वी हैव बोर्डेड द फेरी एंड यहाँ पे एक छोटा सा इशू हुआ मेरे साथ, बिकॉज यू नो आई एम नॉट रेडी टू कम अप सैक्रीफाइस अवर कम्फर्ट जोन। तो एक्चुअली हमारी टिकट्स थी नीचे बेसमेंट की, एंड आई अपग्रेडेड बाय पेइंग अराउंड 400 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा पर पर्सन पर, आई मीन वी पेड 800 टू अपग्रेड फ्रॉम अपस्टेयर्स, बिकॉज यहाँ से जो व्यू है वो मिल रहा है। नीचे तो पूरा ऐसी कैबिन, ऐसी कार ही लगी पड़ी थी नीचे, पर इसमें पूरा क्रूज एयर कंडीशनर है। Everything is going nice till now, boarding हो गई। अभी थोड़ा लेट चला है क्रूज हमारा, या क्रूज या जो भी है, फेरी वेरी, क्रूज तो नहीं बोल सकते इसको, फेरी है, बट ऑल पूरा एयर कंडीशनर है। एंड अनदर पार्ट इज अपग्रेड के लिए मैंने पैसे भरे, तो जब भी आप टिकट बुक करेंगे प्लीज़ मेक श्योर कि ऊपर के डेक का लेना। एंड आफ्टर 30 मिनट्स देयर अलाउ अस टू गो आउटसाइड सम सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल।
स्विच कर ली वहां से यहाँ पे, बिकॉज सीट्स आर लाइक किंग साइज सीट्स, यू नो, लगेज, मेरी वाइफ, मैं, पूरा युवा इज गोइंग टू बी, जैसे ही बाहर के डोर्स ओपन हुए, ये डोर्स सारी पब्लिक बाहर फोटो, हम भी गए फोटोज क्लिक करने चली गई. एक्चुअली यू नो यहाँ पे सन बहुत स्ट्रांग है तो रिफ्लेक्शन, नाउ वी आर गेटिंग हैप्पी वाली फीलिंग. पानी है जैसे आपने वीडियोस में अभी पहले देखा. तो जैसे ही हैमलॉक पहुंचते विल स्टार्ट इट अगेन. बट हमारा जो पोर्ट ब्लेयर पे होटल था उन्होंने ही अरेंज करके दिया. अरेंज मीन्स पे करना पड़ेगा मेरे को, बट इट्स फाइन. चलिए अभी देखते हैं हैवलॉक हाउ इट रोल्स आउट. तो दिस इज अवर रिसॉर्ट, दिस इज द मेन रोड फ्रॉम वेयर वी केम. यहाँ से जेटी है, आई मीन जेटी नहीं, जहाँ से हमको छोड़ा, एंड दिस इज द वे. यहाँ ये मेन रोड पे ही है हमारा वापस से. Done with the check-in process. Lord Buddha की बहुत beautiful मूर्ति है हमारे पीछे. यहाँ पे check-in counter है. Actually the resort is divided into two parts. रस्ते के left side पे जहाँ पे मैं हूँ, that is the beach resort, जहाँ पे cottages है. And ये जो है यहाँ पे actually दूसरा इनका part है, which is beach side. But यहाँ पे cottages नहीं, यहाँ पे rooms है. And आपको तो मालूम है comfort zone हम sacrifice नहीं करते, सो हमने cottage लिया है. So this is a huge resort. And I mean confusing है थोड़ा. आज शाम तक हमको फिगर आउट करना पड़ेगा where to go and where not to go. Okay, यहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं होता, वोडाफोन का नेटवर्क नहीं होता, ओनली एयरटेल एंड BSNL. If you want you can get your SIM here, अगर इतना अर्जेंट है तो, वरना मैं तो सजेस्ट करूँगा मत लो, थोड़ा दूर हो जाओ यार हैसल से. So this is our cottage behind us and there's my wife. Keys आपको दिए? अच्छा, room unlocked है, okay. I know lighting in this room is a bit compromised, but guys, this villa is dope. I mean, यहाँ पे पीछे side, okay. Thank you. She just opened the door to come get some light in. You know, यहाँ पे पीछे villas है and oh, it's getting fogged up. Sorry. And यहाँ पे villas है. Oh my God. And actually यहाँ पे rooms भी हैं which are a bit, you know, सस्ते वाले. इनसे you know cottages and rooms अलग होते हैं, and beach side rooms हैं वो उस side है road के. But the staff itself suggested me कि sir go for this one. मैंने ये वाला लिया है. This is a separate villa, you can say Andamanese villa इसको कहते हैं. Just look at the size of the room. मैं एक room tour देता हूँ आपको फटाफट से, and मेरे को जाना है बस, pool जाना है, spa जाना है, सब जगह जाना है. I'm behaving like a small kid. तो मैं एक आपको रूम टूर देता हूँ, फिर चलते हैं बाहर.
गाइस ट्रस्ट मी, अगर हवा की आवाज आ रही है तो प्लीज बेयर करो, मैं ये म्यूट नहीं करने वाला। पीछे रिसॉर्ट है, वाइट सैंड बीच है, एंड लुक एट दिस व्यू। आई मीन द कैमरा इज नॉट मेकिंग जस्टिस। मैं एक काम करता हूँ, बैक कैमरा से ये चीज शूट करके अभी डालता हूँ वीडियो। I can't believe that I am in India. Like, it's fucking next level beauty and pure beauty. No kachra, no noise, nothing. Guys, मैं गोवा भी बहुत बार गया हूँ. Just excuse this sound, wind का आवाज़ आ रहा होगा. मैं गोवा भी बहुत बार गया हूँ, but it is worth it. हमको पहले लग रहा था flight में travel करके इतना दूर आना is not worth it, but it is worth it. And Port Blair से ज़्यादा मुझे within like हमको half an hour, एक घंटा हुआ यहाँ पे आके, मुझे ये city ज़्यादा पसंद आ रही है ना बाबा. So clear.